नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कैकेयी की। जी हां, अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के द्वारा दो वरदान मांगना उसका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने जब इन दो वरदानों के साथ भरत की भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाया तो अपने हित अनहित का विचार किए बिना एक माँ के हृदय ने कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे दो वरदान महाराजा दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। लेकिन इस सुरक्षा के चिंतन की वजह से कैकेयी को अपने जीवन में जो लांछना और अवमानना मिली उसके चलते बता दें कि उनका प्रारब्ध ही अभिशप्त हो गया। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और ना ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। इसके साथ ही बता दें आपको कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में कैकेयी के लांछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतनी अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे दो वरदान मांग बैठी कि उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया। क्या संसार कैकेयी के उसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वे तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनकी वजह से कैकेयी को कलंकित होना पड़ा? कैकेयी निंदा की पात्र है या वंदना की? अथवा तो कैकेयी रघुवंश का हित चाहती थी या अनहित? एक संत का कहना है कि कैकेयी वंदनीय और सिर्फ वंदनीय ही। उन्होंने बतलाया कि श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राज पुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को बतलाया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बतलाया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गया तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात कैकेयी ने पूरी तरह हृदयंगम कर लिया और विवाह के बाद भी कैकेयी के जहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। अब दशरथ के साथ कैकेयी के विवाह के प्रसंग पर आते हैं। जब अवध नरेश ने कैकेयी के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी तो कैकेयी राज के पास कैकेयी साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भेज दिया। कैकेयी राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया लेकिन शर्त के साथ। कैकेयी राज ने शर्त यह रखी कि महाराज आप यह वचन दें कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन सूर्यवंश की परंपरा यह थी कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसको धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं लगता और महाराजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर कैकेयी के साथ विवाह कर लिया। बता दें कि पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त है। जब राम की राज तिलक करने का अवसर आया, जी हाँ बता दें कि जब तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी को राज पुरोहित के कथन का स्मरण हो गया और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश की वजह नहीं बनने देगी और वही हुआ। राम के वनगमन के पश्चात भी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे और यही हुआ। भरत ने राज कार्य तो संभाला लेकिन राज सिंहासन धारण ना कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठ संचालित किया। भरत ने कुशासन पर बैठकर अयोध्या को सुशासन दिया। संत का मानना है कि राम की 14 वर्ष की वनवास की अवधि में एक भी मौत नहीं हुई। इतने ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी ने कुटिल मंथरा के बहकावे में कैसे आ गई? संत का कहना था कि आप मानस का गंभीरता के साथ अध्ययन करें। मानस का सिर्फ परायण ही पर्याप्त नहीं है। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर कैकेयी ने क्या कुछ नहीं कहा। पुनिय से कबहू
कह सिव घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावहु तोरी। और फिर तुलसी ने एक दोहे कैकेयी के मुख से यह कहलवाया, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, जाने दिए विशेषी पूरी चेरी, कही भरत मातु मुस्कानी। इसके अलावा कैकेयी के चरित्र के संदर्भ कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और सरस्वती की भूमिका पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। यह प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थिति से घिर कर ही तो कैकेयी को ऐसे दो वरदान मांगने पड़े, जिनके चलते वह हर काल और युग में एक कलंकनी के रूप में ही परिभाषित होती रही। अपने जिस पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, उसी पुत्र से कैकेयी को कितनी लांछना भूमनी पड़ी। भरत ने अपनी माता के प्रति जैसे कुवचन पापनी सब ही भांति कुलनासा कहे, उनको भी कैकेयी रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। भरत ने इस चौपाई में तो एक माँ के प्रति वांछित किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। जब तय कुमत कुमत जिए ठहरायु, खंड खंड हुई हृदय न गए, बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीह मुह परे उन कीरा। इन शब्दों में भरत जी कैकेयी की घोरतम निंदा करते हैं। भगवान राम ने भरत जी को चित्रकूट में कैकेयी की इस तरह कठोरतम निंदा करने से रोका, तो भरत जी ने कहा कि मैं अकेला कैकेयी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जननी कुमति जगत सबु साखी, यहाँ तक कि निषाद राज की दृष्टि में भी कैकेयी का चरित्र भी ऐसा ही है। यथा कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनु कीन, लेकिन राम इस तरह के किसी मत से सहमत नहीं जान पड़ते। राम कहते हैं, दोसु देहिं जननी जड़ तेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं से। मानस का गहन अध्ययन करने पर यही कहना पड़ता है कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय, इस पर मंतव्य देना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कैकेयी की प्रशंसा करने वाला तुलसी का पात्र इतना महान है कि अनुचित नहीं माना जा सकता, और वह पात्र है मानस का महानायक राम। दूसरी ओर कैकेयी की निंदा करने वाले हैं भरत, और उनका चरित्र भी इस तरह चित्रित किया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे गलत हैं। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियाँ इस तरह मची कि रची गई है कि तुलसी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनिया के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन कैकेयी के दो वरदान के परिणामों पर जाएं तो वे वंदनिया ही हैं। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में स्वयं कैकेयी स्वीकार करती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रह सका ना निज विश्वास। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। नमस्कार।